तो हे एंड वेलकम बैक गाइस, फाइनली आज को सभी लोगों के लिए एक और नया अपडेट वीडियो मिल गया। आज की इस वीडियो के अंदर बात करें टू नेट अपडेट को लेकर एक्टिव के साथ बड़ा बच के क्या कुछ होने वाला इंडियन सर्वे को बड़ा, इसके लिए बताऊंगा और भी काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स हैं जानकारी के बारे में, जैसे कि बहुत सारे नेक्स्ट कौन सा इंक्यूबेटर आएगा रिटर्न के अंदर इस बार वो गाइस आप लोग को पूछूंगा। बिकॉज देखो इसको लेकर मेरे पास डाटा में इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इंक्यूबेटर कौन सा रिटर्न आने वाला इस बार एंड आप लोग किस टाइप का देखो मिल जाएगा। सो रिव्यू करके बताऊंगा एंड बताऊंगा पॉसिबल मंथ पॉसिबल डेट बड़ा एक न्यू टोकन टाइड इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास आ रहा है किस टाइप का टोकन टाइड इवेंट आने वाला है, किस टाइप का आपको रिवॉर्ड्स पर देखो मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस वीडियो आप लोग को फुल व्यू मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर गाइस किस टाइप का न्यू वाला टोकन टाइड इवेंट आने वाला है, जस्ट बिकॉज आप लोग भी काफी एक्साइटेड है तो न्यू वाले टोकन टाइड इवेंट के लिए। सो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा जानकारी ईवो एक्समेंट यहाँ पर रिटर्न आने वाला है, जिसको लेकर मेरे पास लिख सकता है ईवो एक्समेंट का जो फीरविल होने वाला है वो गाइस एक्चुअली आप लोगों को रिटर्न देखो मिल जाएगा। सो कब आने वाला है इसको लेकर जानकारी दूंगा, एक न्यू आप लोगों को टोकन बताऊंगा जो कि पॉसिबल टोकन आने वाला है। सो होप गाइस आप लोगों को वीडियो के अंदर काफी इन्फॉर्मेशन देखो मिल जाएगा। होपफुली गाइस आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, मेक श्योर अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार चैनल पर पहली बार हो आप सभी को छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मेक श्योर गाइस बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज रख लेना है। छोटा सा काम है गाइस, चलो बिना किसी देर के आप सभी करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे कैसे हमारे वीडियो का स्टार्टिंग है, वीडियो का पहला पॉइंट होगा रिटर्न इंक्यूबेटर के बारे में, जस्ट बिकॉज आप लोग इसको लेकर भाई काफी टाइम से वेट करो भाई कौन सा इंक्यूबेटर रिटर्न आएगा एंड हम लोग को और कितना वेट करना पड़ेगा पॉसिबल मंथ थोड़ा क्या देखो मिल जाए एंड बड़े बड़े आप लोगों में जो भी डाउट है ना इस वीडियो के अंदर गाइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो कुछ सबसे पहले आप लोगों को जो बताऊंगा इंक्यूबेटर रिटर्न आएगा वो गाइस कब आने वाला है, एक्चुअली आप सबको जो इंक्यूबेटर है वो गाइस देखो मिल जाएगा न्यू ईयर के टाइम पर रिटर्न। देखो फिलहाल तो गाइस मेरे पास यही लिख सकता है कि न्यू ईयर के टाइम तक रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पर आप लोग ना कुछ सरप्राइज देता है आप सभी को पता है एंड पिछले साल भी गाइस यहाँ पे आया था अपना गोल्डन सेड का इंक्यूबेटर था वो गाइस रिटर्न आया था स्पेशल इंक्यूबेटर का टाइम पर आप लोगों न्यू ईयर के टाइम पर आप लोगों को सरप्राइज दिया था। सो इस बार भी यहाँ पर पूरा कंफर्मेशन न्यूज आ रहा है कि आप लोग देखो मिल जाएगा न्यू ईयर के टाइम पर सरप्राइज करके आप लोग ग्रीना देगा। इस बार भी गाइस पूरा सियोरिटी एंड कंफर्म है कि आप लोगों को इंक्यूबेटर जो है वो रिटर्न देखो मिल जाएगा न्यू ईयर के टाइम पर। बाकी कौन सा इंक्यूबेटर रिटर्न वो गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ पे दो इंक्यूबेटर का पॉसिबिलिटीज है, एक तो गाइस जोकर जो इंक्यूबेटर वो गाइस आ सकता है एंड सेकंड जो पॉसिबिलिटीज है वो गाइस गोल्डन सीड एंड इसी दोनों में से गाइस आप लोगों को एक देखो मिल जाएगा रिटर्न के अंदर अपने न्यू ईयर के टाइम पर। बाकी देखो जिसका हाई पॉसिबिलिटीज है वो गाइस अपना जोकर का इंक्यूबेटर है, बिकॉज ये वाला जो इंक्यूबेटर एक बार भी इंडियन सर्वे को रिटर्न नहीं आया एंड आई थिंक ये वाला आ सकता है जस्ट बिकॉज इसको लेके आप लोग भी हाइप दिखा रहे हो एंड एक रेयर इंक्यूबेटर है। सो आई थिंक आप लोग ये वाला दे सकते हैं। बाकी सेकंड जो पॉसिबिलिटीज है वो गाइस गोल्डन सेड का जो इंक्यूबेटर वो गाइस वापस से आ सकता है, इसका मेरे पास लीक है जस्ट बिकॉज यहाँ पर डाटा में से इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप लोग जो गोल्डन सेड का इंक्यूबेटर वो गाइस ग्रीन वापस से रिटर्न देने वाला है। सो ये गाइस आप लोग माइंड में रखना। देखो आप लोग एक और छोटा सा प्रेडिक्शन देख रहा हूं कि हो सकता है आप लोगों को दिसंबर मंथ के अंदर एक आप लोग इंक्यूबेटर ग्रीन सरप्राइज करके दे जाए, जिसके गाइस मेरे पास कोई लीक्स नहीं कि भाई इस महीने के अंदर इंक्यूबेटर रिटर्न आएगा। लेकिन गाइस आप लोग छोटा सा प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि भाई देखो आप लोगों को पता है 3 से लेकर 4 इंक्यूबेटर्स ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सो होप आप लोग उस पेंडिंग इंक्यूबेटर्स में कोई एक इंक्यूबेटर अचानक से दे सकता है, ये गाइस मैं आप लोगों को जानकारी देकर रखा हूँ। लेकिन इतना कन्फर्म है सियोरिटी कि आप लोगों को न्यू ईयर के टाइम पर कोई एक इंक्यूबेटर वापस से देगा रिटर्न के अंदर। सो ये गाइस आप लोग माइंड में रखना। बाकी गाइस मेक श्योर आप लोग नीचे कमेंट में जोर से बताना आप लोग कौन सा इंक्यूबेटर चाहते हो, जोकर का इंक्यूबेटर आप लोगों के हिसाब से रिटर्न आना चाहिए या फिर अपना गोल्डन सेड का इंक्यूबेटर वापस से रिटर्न आना चाहिए। सो मेक श्योर नीचे कमेंट में जोर से बताना। अभी गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट की तरफ। हमारा एक न्यू यहाँ टोकन टाइड इवेंट आया जिसको लेकर मेरे पास लिख सकता है आप लोगों को देखो मिल जाएगा कुछ इस टाइप का टोकन टाइड इवेंट जो कि अपना एंजेलिक थीम पर होने वाला है। पूरा पूरा आप लोगों को रिवॉर्ड देखो मिल जाएगा टोटल यहाँ पे 5 एंड 5 जो रिवॉर्ड होने वो गाइस अपना एंजेलिक थीम के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा बैकपैक स्किन जो कि आप लोग देख ही सकते हो, इसलिए आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे ग्लोबल का स्किन एंड आप लोगों को स्कार्फ मिल जाएगा एंड आप लोगों को मिल जाएगा जो कि सबसे अपना मेन रिवॉर्ड है यहाँ पे एंजेलिक पैंट आप लोगों को न्यू वाला जो कि इसके अंदर आप लोगों को एनिमेशन देखो मिल जाएगा। सो ये गाइस अपना एक टोकन टाइड इवेंट है जो कि आने वाला है। वैसे मैं आप लोगों को पहले भी बोल के रखा था कि OV3 से अपडेट के बाद यहाँ पे अपना न्यू एंजेलिक थीम पर बेस काफी सारे आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। सो गाइस उन्हीं रिवॉर्ड्स में से ये सारे रिवॉर्ड्स एंड होप कि आप लोगों को यहाँ पे टोकन टाइड इवेंट के अंदर मे भी आप लोगों को रिवॉर्ड्स पर चेंज देखो मिल सकते हैं। इंडियन सर्वे को बड़ा ऐसा होस्ट है आप लोगों को ग्रैंड प्राइज के तौर पे आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे एंजेलिक प्रोडक्ट पूरा बंडल, इसके अलावा मे भी आप लोगों को रिवॉर्ड्स चेंज देखो मिल सकता है। लेकिन गाइस ऐसा ही कुछ रिवॉर्ड्स होने वाला है इतने मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ एंड बाय द वे गाइस अपना जो ये वाला टोकन टाइड इवेंट है आने वाला यही करीब गाइस इस महीने के लास्ट वीक तक आप लोग समझ सकते हो गाइस 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आ जाएगा इंडियन सर्वे को बट एंड उसके साथ यहाँ पे बांग्लादेश सर्वे को भी। तो बस दोनों सर्वे को बड़ा होप कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली गाइस यहाँ पे 2 से लेकर 3 वीक के बाद इंडियन सर्वे बांग्लादेश पर दोनों सर्वे को आ जाएगा। इसका पॉसिबल डेट यहाँ पर निकल कर रहा है 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच। सो आई थिंक आप लोगों को ये जानकारी दे रखा हूँ एंड आप लोगों को नीचे कमेंट में जोर से बताना कि आप लोगों को टोकन टाइड इवेंट कैसा लगा। ठीक है अभी गए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट करते हैं। नेक्स्ट ईवो गन कौन सा आएगा रिटर्न इंडियन सर्वे को बट जस्ट बिकॉज इसको लेकर भाई बहुत ज्यादा मेरे पास लीक्स है आप लोगों को देखो मिल जाएगा। वैसे कैसे यहाँ पे आप सभी को पता है कि ईवो एक्समेंट को लेकर बहुत टाइम पहले लीक्स निकल के आते हुए आने वाला है। सो फाइनली यहाँ पे आज के टाइम आ चुका है डाटा मैं
कन्फर्मेशन कि भाई इंडियन सिनेमा को आप लोगों को देखो मुझे जल्द ही। बाकी देखो इसका फिलहाल मेरे पास कोई भी कन्फर्मेशन डेट एंड पॉसिबल डेट तो नहीं है, लेकिन इतना श्योरिटी न्यूज़ आ रहा है कि आप लोगों को डिटेल देखो मुझेगा। होप कि आप लोग इसी मंथ के अंदर लास्ट वीक तक इस महीना के देखो मुझेगा, एंड ये जानकारी आप लोगों को देकर रखा हूँ। इस टाइप का आप लोगों को देखो मुझेगा यहाँ पे फेडेबिल के अंदर आने वाला, ये तो गाइस आप सबको पता है। एंड आप लोगों को पता है इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा डायमंड्स खर्च नहीं होता है। सो आई थिंक आप लोग में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे होंगे जिनके पास ईवो एक्समेट नहीं हुआ, सो आप लोग निकाल सकते हैं। एंड इसके साथ ही गाइस आप लोग को एक और छोटा सा प्रेडिक्शन देना चाहूँगा। देखो गाइस आप सभी को पता है कि भाई बांग्लादेश कुछ टाइम पहले आया था ईवो ड्रैगो, सो होप कि भाई ईवो ड्रैगो एक ही को लेकर भी कुछ टाइम पहले लीक कर रहा था कि इंडियन सब कोड आ रहा है। सो आप लोग को ये दोनों ईवो कोड बता रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा इंडियन सब कोड, एंड बाकी गाइस पॉसिबिलिटीज है कि भाई इसी मंथ के अंदर आ जाएगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक आने वाला, इतना गाइस मैं आप लोगों को सियोरिटी न्यूज़ दे रहा हूँ। एंड होप कि आप लोग वेट करोगे। बाकी देखो फिलहाल तो मेरे पास करोगे कोई भी पॉसिबल डेट एंड कन्फर्मेशन डेट नहीं है, एंड आई थिंक अगर मेरे पास डेट होता तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता। बाकी आप लोग समझ के रखना कि भाई आने वाला है, बिकॉज इसको लेकर लीक्स आ चुका है एंड ये भाई कमिंग सून ऐसा करके लीक्स आ रहा था। सो होप आप लोगों को देखो मुझेगा इसी मंथ के अंदर, नहीं तो गाइस नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर आने वाला पूरा सियोरिटी न्यूज़ आप लोगों को दे के रख रहा हूँ। जैसे इसको लेकर मेरे पास जैसे कन्फर्मेशन न्यूज़ आ जाएगा एंड कन्फर्मेशन डेट वो होते दोस्तों आप लोग को मुझेगा सबसे पहले। एंड बाकी गाइस आप लोग समझ के रखना कि भाई इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में जोर से बताना कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा ईवो गन रिटर्न चाहिए। ये सारा गाइस यहाँ पे अपडेट एंड न्यूज़ था अपने नेक्स्ट ईवो गन रिटर्न को लेकर। सो होप गाइस आप लोगों को समझ आया। अभी गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपना टॉप इवेंट कौन सा आने वाला है इंडियन सपोर्ट पूरा स्टूडेंट कंफर्म आप लोगों को टॉप इवेंट बताऊंगा। सो आई थिंक आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर यहाँ पे दो टॉप इवेंट जो कि आप लोगों को देखो मिल जाएगा। एक तो गाइस वो वाला टॉप इवेंट बताऊंगा जो कि अपना नेक्स्ट टॉप इवेंट होने वाला है, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट टॉप इवेंट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो होप गाइस आप लोग वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, बिकॉज आप लोग को दो टॉप इवेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताऊंगा ये वाला टॉप इवेंट जो कि अपना ईवो A94 थीम पर बेस्ड है, जिसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे एक बैकपैक का स्किन, एंड सेकंड जो यहाँ पे आप लोग को रिवॉर्ड देखो मिल जाएगा अपना बाइक का स्किन जो कि आप लोग को मिल जाएगा 500 डायमंड टॉप अप के अंदर। एंड ये जो दोनों रिवॉर्ड है ये गाइस अपने ईवो A94 थीम पर बेस्ड है। एंड आप सबको तो पता है कि ईवो A94 को जब फेडेबिल है वो गाइस यही करीब आप लोग को 1 वीक के बाद बोलते गए 4 से 5 दिन के बाद इंडियन सर्वर आप लोग को देखो मिल जाएगा। सो उसी थीम पर बेस्ड यहाँ पे टॉप आने वाला इतना गाइस कन्फर्म है। एंड होप कि आप लोग को ये वाला टॉप देखो मिल सकता है, 99% कन्फर्म है ये वाला टॉप अपना नेक्स्ट टॉप होने वाला है। एक और आप लोग को टॉप बताऊंगा जो कि अपना ई वाला है जो कि इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा काफी इस तरह यहाँ पर टोकन, एंड ये इस तरह कैसे यहाँ पे टोकन होने वाला अपना ईवो A94 का टोकन जो कि आप लोगों को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। सो देखो ये जो टोकन होने वाला है ये कैसे अपना तभी आएगा जब ईवो A94 का फीड भी आएगा इंडियन सर्वर कोड। सो आप लोग समझ सकते हो कि ये जो एक्चुअली टोकन होने वाला है ये कैसे अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट टोकन होने वाला है। एंड आप लोगों को ये यहाँ पे दोनों टोकन बता दिया, एक तो कैसे ये वाला टोकन जो कि यहाँ पे नेक्स्ट टोकन अपना होने वाला पूरा 99% कन्फर्म है, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट टोकन है ये वाला। तो देखो आप लोगों को दोनों टोकन बताया, होप कैसे आप लोगों को समझ आए। एंड बाकी नीचे कमेंट का जोर से बताना आप लोग ईवो A94 निकालने वालों या नहीं। वैसे कैसे मैं ईवो A94 जो फेडेबिल वो गाइस आने वाला यही करीब 2 से 3 दिन के बाद इंडियन सर्वर को बढ़। सो होप गाइस आप लोगों को पूरा जानकारी समझ आया। अभी चलते लास्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ जो कि 2 नाइट अपडेट को लेकर होने लग चुका है रात 12 बजकर क्या कुछ है, एंड मेनली गाइस आज का 2 नाइट अपडेट क्या होगा। मे बी ऑनेस्टली गाइस आई थिंक आप लोगों को रात 12 बजकर कुछ भी देखो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने गेम के अंदर भी चेकआउट किया, सो आई थिंक रात 12 बजकर कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरे पास कोई कन्फर्मेशन 2 नाइट अपडेट भी नहीं है, मैंने डाटा में स्कोर से बात किया, सो आई थिंक रात 12 बजकर कुछ भी नहीं आने वाला, कोई भी ऐसा कन्फर्मेशन 2 नाइट अपडेट नहीं है। लेकिन आप लोग की छोटा सा मोटा प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि आई थिंक आप लोगों हो सकता है ग्रीन अपनी मर्जी से अचानक से कोई छोटा मोटा इवेंट दे दे लकड़ोल के अंदर आप लोग कुछ अचानक से दे सकता है। इसके लिए स्टोर के अंदर छोटा मोटा डिस्काउंट बढ़ाइएगा आप लोगों अचानक से हर बार देखो उम्मीद है। सो ये आप लोगों को प्रेडिक्शन देख रखा हूँ। एंड बाय द वे इसके अलावा जितना इन्फॉर्मेशन था आई थिंक आप लोगों को पूरा डिटेल्स पता है, होप कि आप लोगों को समझ आए। बाय द वे फिर भी कोई डाउट रह गया हो सो नीचे कमेंट में जोर से पूछ लें, आपसे को पता है जो आप लोग कमेंट करते हैं उसके वजह से आप लोग को पूरा रिप्लाई मिलता है, मेरी ओर से गैस हार्ड एंड रिप्लाई तो मिल ही जाता है। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद है। अभी गैस आप लोग क्या करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर गाइस बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना।